अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो जी, यहाँ पे हो रही है पैकिंग और जाने की तैयारी। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये फिर कहाँ जा रहे हैं, तो ये जानने के लिए आप वीडियो एंड तक देखें और मैं इसमें बताऊंगी कि कौन जा रहे हैं और कहाँ पे जा रहे हैं। और ये फीलिक्स मेपल का हमेशा होता ही है, हम अगर कोई बैगेज खोले या सूटकेस कुछ खोल कर रखे ना, तो वो ज़रूर आके बैठ जाते हैं। और यहाँ पे फ़्लाइट का टाइम है 4 बजे और हमको जाना है रजाइना, जो कि 2 आवर्स की ड्राइव है, और हमें ड्राइविंग में भी टाइम लग जाता है। और आपको तो पता है कि इंटरनेशनल फ़्लाइट अगर रहो तो उसके लिए आपको 3 आवर्स पहले रहना होता है वहाँ पे। तो यहाँ पे मैं जयान और अफ़ान को आकर देख रही थी, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये अभी उठे या नहीं। तो इनको यहाँ पे मैं यही कह रही थी कि उठ जाओ, चलो रेडी हो जाओ, क्योंकि फिर हमको टाइम, यानी कि टाइम इतनी जल्दी जाता है जब आपका कोई, आपको कहीं जाना हो या कुछ ऐसा हो ना। तो सेम यहाँ पे भी ऐसे ही हो रहा था। यहाँ पे देखिए, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ये फंड रेजर है जियान के स्कूल का, तो यहाँ पे सारे चॉकलेट्स जो है वो सेल हो गए सिवाय ये 5 चॉकलेट्स के। और यहाँ पे मैं साथ में कर रही थी कि लंच की तैयारी, क्योंकि हम लंच करके ही निकलेंगे। यहाँ पे मैंने एग्स बॉईल करने के लिए रख दिए थे। और ये देखिए, ये मैंने ज़बरदस्त सी हलीम बनाई थी, बहुत अच्छी बनी थी हलीम ये टाइम। और यहाँ पे मैंने चावल भी बना दिए थे और साथ में जो है टोमेटो करी, और इसके साथ मैं बनाई थी टोमेटो कट। और इसीलिए मैंने एग्स बॉईल करे थे, क्योंकि मैं टोमेटो कट में तो एग्स जाते हैं, तो इसीलिए मैंने फिर एग्स भी बॉईल कर दिए थे। और ये साथ में मैंने इसमें ज़बरदस्त सा तड़का भी लगा दिया था। और यहाँ पे बच्चे कर रहे थे लंच, क्योंकि उन्होंने ब्रेकफास्ट किया नहीं, डायरेक्ट लंच ही कर रहे थे। ये जो है वो अफ़ान की प्लेट थी और ये जियान की। तो यहाँ पे देखिए, बस ये जो है हलीम जो है बहुत ही ज़बरदस्त थी। तो यहाँ पे मैंने हस्बैंड से भी पूछा आपको क्या चाहिए, तो ये कह रहे थे कि मुझे हलीम चाहिए, तो मैंने फिर उनको भी हलीम दे दी। और ये जो है पैकिंग सारी कुछ हो गई थी और हम बैगेज रख रहे थे कार में, और यहाँ पे सारा कुछ बैगेज रख चुके थे। और यहाँ पे बस देर थी नमीरा की, तो क्योंकि नमीरा गई थी स्कूल, अफ़ान और जियान स्कूल नहीं गए थे, तो नमीरा को हमको पिक करना था 12 o'clock पे। यहाँ पे मैं और हस्बैंड दोनों नमीरा को पिक करने के लिए जा रहे थे, क्योंकि फ़्लाइट फिर देर हो जाएगी हमको रजाना जाने के लिए, वहाँ पे भी फिर टाइम लगेगा। और यहाँ पे हम नमीरा को स्कूल पिक करने के लिए आ गए थे, लेकिन नमीरा यहाँ पे नहीं थी। मैं नमीरा को कॉल कर रही थी, नमीरा वेयर आर यू, वी आर गेटिंग लेट। तो वो कह रही थी मम्मा आई एम कमिंग, तो वो आ रही थी भाग के। वो कह रही थी कि मम्मा मुझे आज ईयरबुक जो है ना वो मिली है, इसी वजह से लेट हो गया। और ईयरबुक ये होती है कि आपके जो भी आप एक्टिविटीज़ करते हो, जिसमें भी आप पार्टिसिपेट करते हो, तो वो सारा कुछ ये कैप्चर करते हैं पिक्चर्स के ज़रिए, और वो ईयरबुक में, यानी कि हर जगह से हर किसी के, हर कोई किड्स के वो पिक्चर्स देते हैं, और वो फिर ईयरबुक में वो आ जाती है। क्योंकि नमीरा ने लास्ट ईयर, यानी कि 2022-2023 में बहुत सारे चैम्पियनशिप उसने जीते हैं, लाइक टेबल टेनिस, बैडमिंटन और वॉलीबॉल, तो उसके भी बहुत सारे पिक्चर्स थे।
और जो भी उन अवार्ड मिल रहा है नमीरा को वो भी पिक्चर्स थे, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं सारा कुछ देखूं। और यहाँ पे हम आ गए थे, कुछ काम था हमें यहाँ पे, हमारा जो है ये इंटरनेट प्रोवाइडर है यहाँ पे कुछ काम था, इसीलिए हम यहाँ पर आ गए थे। और यहाँ पे हम काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुके थे, हमने सोचा था कि हम 12 o'clock पे घर से निकलेंगे, लेकिन हम बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे। तो हमने बस अफान जियान को लिया घर पे से, क्योंकि नमीरा तो हमारे साथ थी, और बस हम निकल गए एयरपोर्ट के लिए। यूजुअली मिड ऑफ़ द सेप्टेम्बर में यहाँ पे ठंड स्टार्ट हो जाती है, लेकिन अभी यहाँ पे स्टार्ट नहीं हुई थी। माशाल्लाह बहुत अच्छा वेदर था और सनी भी था, और ऐसा नहीं लग रहा था कि हम अभी विंटर की तरफ जा रहे हैं, बहुत अच्छा वेदर था। और फाइनली हम यहाँ पे एयरपोर्ट पहुँच गए, क्योंकि हमने ऑलरेडी चेक इन करा लिया था ऑनलाइन ही। अगर आप चेक इन ऑनलाइन करा लो तो ये बहुत अच्छा है कि आपको 3 hours पहले रहने की ज़रूरत नहीं होती है, आपको बस आपका बैगेज ड्रॉप करना होता है। तो यहाँ पे नमीरा ऑलरेडी बैगेज लेकर जा रही थी ड्रॉप करने के लिए। नमीरा आई जस्ट स्टॉप देयर, ओके पार्क देयर। और यहाँ पे फ़्लाइट के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम था, 1 hour था। तो हमने सोचा 1 hour एयरपोर्ट पे रहकर क्या करेंगे, चलो कुछ ना कुछ करते हैं। और यहाँ पे मैंने नमीरा और हस्बैंड को दोनों को पिक कर लिया, और यहाँ पे सोच रहे थे कि हम कहाँ जाएंगे, किसी को तो भूख नहीं लग रही थी, किसी को कुछ चाहिए नहीं था। तो हम चल चुके ना, बस ऐसे ही चलते हैं। तो यहाँ पे हम आ गए थे वॉलमार्ट, और वॉलमार्ट से कुछ लिया नहीं हमने, लिया सिर्फ कपड़े, और इसके अलावा बस थोड़ा सा फूड पैक भी ले लिया। और यहाँ पे मैं बस हस्बैंड को दे रही थी, ये आपके लिए है, तो आप देखिएगे किसके लिए है ये। तो यहाँ पे चलिए मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे कौन जाने वाला है, आप आगे वीडियोस और पिक्चर्स में देख के समझ जाएंगे कि कौन जाने वाला है। तो ये नमीरा तो नहीं जाने वाली है कहीं पे, तो चलिए देखते हैं। ओके डैड को दे दो, वेट 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 अफन वेट। तो बस हम नमीरा को सी ऑफ करने के लिए आए, मैं बस यहाँ पे प्रैंक कर रही थी। ये नमीरा नहीं जा रही है, ये जा रहे हैं हस्बैंड, इनका सडन हुआ है इंडिया जाने का।
तो ये जाएंगे इंडिया, क्योंकि हमें कुछ टाइम मिला ही नहीं, बहुत सडन एक दिन पहले इनकी सारी कुछ फ्लाइट टिकट्स जो है वो बुक हुई है। तो बस हम हस्बैंड को छोड़ने ही आए थे, तो फिर यहाँ पे सारा कुछ चेक इन हो गया, सब हो गया, और फिर ये जाएंगे। अल्लाह ताला इनको अपनी हिफ्ज अमान में रखे और हिफाजत से वो इंडिया जाएं और वापस इंडिया से आएं। और बस हस्बैंड चले गए, यहाँ पे बच्चे थोड़े से अपसेट हो गए थे क्योंकि सडन हुआ था हस्बैंड का जाने का इंडिया, तो वो भी थोड़ा सा सरप्राइज फील कर रहे थे क्योंकि स्कूल से आते ना वो कह रहे थे कि आपने कल तक तो बताया नहीं, तो किसी को भी पता नहीं था। और हस्बैंड को एयरपोर्ट ड्रॉप करने के बाद हम गए गैस स्टेशन क्योंकि मुझे गैस लेनी थी। बस गैस लेकर हम वहाँ से हम हाईवे के लिए निकल गए, और यहाँ पे नमीरा और बच्चे काफ़ी ज़्यादा अपसेट थे। तो नमीरा के फ्रेंड्स के कॉल्स आ रहे थे, वो कह रहे थे कि कोई नई मूवी है, कुछ नन जो है हॉरर मूवी वो रिलीज़ हुई है, तो ये सारे फ्रेंड्स मिलके ना कुछ प्लान बनाए। तो नवीरा को तो बिल्कुल भी नहीं था जाने का, लेकिन फिर फ्रेंड्स ज़्यादा फोर्स कर रहे थे, तो मैंने भी कहा कि चलो तुम चले जाओ, थोड़ा मूड भी सही हो जाएगा तुम्हारा। तो यहाँ पे मैं फिर नमीरा को वहाँ पे एयरपोर्ट से आईबा से ड्रॉप करने के लिए आ गई थी। बस आज का वीडियो इतना ही था, आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद ईट रखें। हेल्थी लिव हेल्थी एंड एन्जॉय द लाइफ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।